हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आप पेटीएम का यूज़ करना चाहते हैं या फिर आप पेटीएम का यूज़ करते हैं तो आप अपने पेटीएम अकाउंट में अपना एटीएम कार्ड कैसे लिंक कर सकते हैं और आप बिना बैंक अकाउंट का भी अपना पेटीएम चला सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा कि आप अपने पेटीएम में अपना एटीएम कार्ड या फिर डेबिट कार्ड कैसे लिंक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमें अपना पेटीएम ओपन कर लेना है। दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने अपना पेटीएम ओपन कर लिया है। उसके बाद हमें लेफ्ट साइड में कॉर्नर में जो हमारा प्रोफाइल वाला सेक्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें नीचे आ जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है यूपीआई एंड पेमेंट सेटिंग्स का, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सेव्ड कार्ड्स का जो ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। और हमें यहाँ पे एटीएम कार्ड ऐड करने के लिए ऐड न्यू कार्ड का जो ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे ऑप्शन आ गया है। दोस्तों हमें यहाँ पे जो मेरा एटीएम कार्ड जब मैं ऐड करूँगा तो मेरे एटीएम कार्ड से 2 रुपये वेरीफाई करने के लिए, मेरा डिटेल्स वेरीफाई करने के लिए मेरे एटीएम कार्ड से 2 रुपये मेरे खाते से कट जाएगा और वो जो मेरा पैसा है 2 रुपये, वो 48 घंटे के अंदर मेरे खाते में वापस रिटर्न चला जाएगा। तो हमें एटीएम कार्ड ऐड करने के लिए प्रोसीड का जो ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक कर देना है। और हमें यहाँ पे अपना कार्ड का जो नंबर है हमें इंटर कर लेना है। तो मैं अपने एटीएम कार्ड का यहाँ पे नंबर इंटर कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने अपने एटीएम कार्ड का नंबर इंटर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमें एटीएम कार्ड का अपना एक्सपायरी डेट डालने का ऑप्शन आ रहा है, तो हम अपना एक्सपायरी डेट इंटर कर लेते हैं। उसके बाद हमारे एटीएम कार्ड जो 3 अंक का सीवीवी नंबर दिया हुआ होता है, हमें उस सीवीवी नंबर को यहाँ इंटर करना है। तो मैं अपना सीवीवी नंबर इंटर कर लेता हूँ। उसके बाद हमें पे का जो ऑप्शन आ रहा है नीचे में, उस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों मेरा पेमेंट जो है प्रोसेसिंग हो रहा है और जो मेरे एटीएम कार्ड में जो मेरा मोबाइल नंबर लिंक है, उस नंबर पर एक ओटीपी रिसीव हुआ होगा, हमें उस ओटीपी को यहाँ इंटर करना है। तो मैं अपना ओटीपी इंटर कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने ओटीपी डाल दिया है। उसके बाद हमें सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब देख सकते हैं मेरा पेमेंट जो है प्रोसेसिंग हो रहा है। दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं मेरा जो एटीएम कार्ड था, यहां पे सक्सेसफुली मेरा एटीएम कार्ड मेरे पेटीएम में ऐड हो गया है। अगर आप भी अपने पेटीएम में अपना एटीएम कार्ड ऐड करना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों मैंने जो अपना एटीएम कार्ड ऐड किया है पेटीएम में, इस एटीएम कार्ड से मैं कोई सा भी मोबाइल रिचार्ज कर सकता हूँ या फिर कोई सा भी बिल पेमेंट कर सकता हूँ। दोस्तों अभी मैंने जो अपना एटीएम कार्ड ऐड किया है, मैं इससे कोई सा भी ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ। तो अगर आप भी अपने पेटीएम में अपना एटीएम कार्ड ऐड करना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।